हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवा रहा था, जो कि आपके आने वाले सीटेट 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले थे, जिसमें मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की करवा चुका था और ईवीएस के मैं शॉर्ट नोट्स मैंने आपके स्टार्ट कर रखे थे और इसका साथ ही साथ में हिंदी के भी शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर पहले आप ईवीएस के करवा दीजिए फिर हिंदी करवा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है और कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। ओके, तो चलिए पहले ईवीएस के खत्म कर लेते हैं, फिर अब हम हिंदी के कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा ईवीएस का लेक्चर नंबर क्लास नंबर कौन सी है, तो सेवंथ लेक्चर यानी कि सेवंथ क्लास है। इससे पहले मैं आपकी छह क्लास ले चुका हूं, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी अलग अलग टॉपिक्स की तो आपको पता होगा, और उससे रिलेटेड मैंने आपको फीडबैक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे। ओके, तो उसी से रिलेटेड आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सातवां करेंगे, जो कि टाइप ऑफ हाउसेस यानी कि घर कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमारे भारत के विविध राज्यों में अलग अलग प्रकार के घर देखने को मिलते हैं, उनके बारे में। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर ये वाला टॉपिक करवा दीजिए, एक विभिन्न प्रकार के घर और एक मैप वाला और एक नित्य वाला, ये तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बार बार बच्चे बोल रहे थे, जिसमें से आज हम कवर करेंगे विभिन्न प्रकार के जो घर होते हैं अलग अलग भारत राज्यों में उसके बारे में। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए लेक्चर नंबर सेवन, लेक्चर नेम घरों के प्रकार टाइप ऑफ हाउसेस। तो कैसे कैसे घर होते हैं हमारे भारत राज्य में उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं असम के मकान यानी कि हाउसेस ऑफ असम, यानी कि असम में किस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। तो असम में यानी कि हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ध्यान रखिएगा जो असम एरिया है वो फ्लडी एरिया, यानी कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आती है जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ का बहुत खतरा होता है, इसलिए यहाँ के लोग जो होते हैं वो जमीन से 3 से 3.25 फुट तक या 3.25 मीटर तक, 3 से 3.25 मीटर तक जमीन से ऊपर अपना घर बनाते हैं, या फिर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर अपना घर बनाते हैं जमीन से। ध्यान रखिएगा आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड, यानी कि जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर कुछ भी देखने को मिल जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप यहां पर इमेज में देख रहे हो, इमेज में आपको साफ दिख रहा होगा कि जमीन देखो कितनी गीली पड़ी है, यहां पर बारिश जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो यहाँ के लोग होते हैं वो बांस के खंभे गाड़ लेते हैं 10 से 11 या 12 फुट के ऊंचे और उसके ऊपर अपना प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं। ओके, अब देखो आगे बोल रखा है कि इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाते हैं, दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देख सकते हो यहां पर आपके जितने भी ये पिलर्स हैं, ये पूरा का पूरा मकान ही किस चीज का बना होता है, वो बैम्बू से बना होता है, मतलब बांस से बना होता है। नीचे आपके बांस के पिलर खड़े करे जाते हैं और फिर उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाकर यानी कि एक सतह बनाकर उसके ऊपर फिर बैम्बू से ही घर बनाया जाता है। ओके, आगे बोल रखा है यह घर अंदर से भी कैसे होते हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं, मतलब बैंबू के स्ट्रिप्स जो होते हैं उनके ही काटकर अंदर बना लिया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो इसकी जो दीवार है ना, वो आपको ऐसे देख रही होगी, देखने को लग रहा होगा कि कोई लकड़ी होगी, नहीं, बांस को बीच में से फाड़कर उसको फ्लैट करके बांस से ही ये बनाया जाता है, इसलिए जो ये घर होता है वो अंदर से भी कैसा होता है, लकड़ी का ही बना होता है। द इनसाइड ऑफ आवर हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, यानी कि अंदर से भी जो घर होता है वो लकड़ी का ही बना होता है। और यहाँ पर एक मैंने इमेज और डाल रखी है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये वाले घर भी जो है वो बैम्बू के ऊपर बने हुए हैं, बाकी छोटा सा एरिया दिख रहा होगा लेकिन बाकी जो हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि असम जो है वो फ्लडी एरिया है, यहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो लोग यहाँ से निकलने के लिए देखो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बांस के बने पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पुल से याद आया कि स्कूल जाने वाला जो मैंने चैप्टर करवाया था, तो आप देख रख सकते हो कि स्कूल जाना हो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना हो, यहाँ के लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बांस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट है आपका सेकंड, मनाली के मकान यानी कि हाउसेस ऑफ मनाली। तो हम मनाली जो है वो हिल स्टेशन है, काफ़ी फेवरेट पर्यटक का स्थल है, यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने वूमने के लिए भी आते हैं। तो ध्यान रखिएगा मनाली की क्या खासियत है मकानों की, तो मनाली जो है वो एक पहाड़ी इलाका है। क्या है? मनाली विच इज़ ए हिल स्टेशन या हिल एरिया, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा कि एट अवर प्लेस इट रेन्स
हेवेली एंड स्नो एज वेल। यहाँ पर जो बारिश होती है गर्मियों के दिनों में खूब होती है और सर्दियों के दिनों पर यहाँ पर स्नो यानी कि बर्फ देखने को बहुत मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे मकान पत्थर या फिर लकड़ी से बनते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पर जो आपका ये पूरा घर बन रखा है वो कैसा बन रखा है, तो देख सकते हो छतें जो बन रखी हैं वो पत्थरों की जो मोटे मोटे चट्टान उसे हैं उसकी सिल्लियाँ बनाकर डाल रखी है, उसको सपोर्ट देने के लिए क्या दे रखा है वो लकड़ियों का इस्तेमाल कर रखा होता है। ओके, और इनकी छत कैसी होती है, समतल छत ना होकर ढालू छतें होती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो छतें होती हैं जैसे कि ये पूरा फिर इसके ऊपर ये, तो इनकी छतें समतल ना होकर ढालू होती हैं। क्यों? क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ को साफ करने के लिए छत पर वजन ना पड़े उसके बचाव के लिए ऐसी छतें यहाँ पर बनाई जाती हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह एरिया कहाँ पर है जहाँ पर घरों को पत्थर या लकड़ियों से बनाया जाता है, मेड ऑफ स्टोन और वुड्स हाउसेस को कहाँ करा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो मनाली का एरिया है। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड, ले के मकान हाउसेस ऑफ ले। यहाँ पर इसके आगे लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, वो भी कौन सा, मोस्ट वाला। क्यों? क्योंकि ले के मकानों से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिले हैं। ले वाला क्वेश्चन तो ये लगा लो रिपीट हो चुका है कई बार, 2015, 16, 17, 20, 17 में तो आपका एग्जाम नहीं हुआ था, 15, 16 में बहुत बार ये रिपीट हुआ है। ओके, जो कल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। चलिए ले के मकानों की क्या खासियत है देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ले में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, द फ्लोर बिलो द हाउसेस इन ले डज नॉट हैव ए विंडो। यानी कि जो ले के मकान होते हैं देख सकते हो नीचे एंट्री के लिए आपका गेट होता है, लेकिन इसके जो विंडोज होती हैं वो सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर देखने को मिलती है, नीचे वाले मंजिल पर किसी भी प्रकार की कोई विंडो देखने को नहीं मिलती है। ओके, ऐसा क्यों होता है आगे चलेंगे आपको अभी पता चल जाएगा, बस इतना भी ध्यान रखिएगा जो ले लद्दाख में मकान होते हैं वहां के मकानों पर जो नीचे मंजिल होता है फर्स्ट फ्लोर होता है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई खिड़की नहीं रखते हैं वो। नेक्स्ट है आपके छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मकान होते हैं ट्रेडिशनल जो मकान हुआ करते थे उनको मजबूत करने के लिए यहाँ पर क्या करा जाता था, जो लकड़ियों के मोटे मोटे तने होते हैं उनको काटकर उसको इस्तेमाल किया जाता था उनको मजबूत बनाने के लिए, उनकी छतों को इस्तेमाल करने के लिए एज ए वहाँ पर जो सपोर्ट के लिए डाला जाता है पिल्लर के लिए वो लकड़ियों के मोटे मोटे तने डाले जाते थे छत को मजबूत करने के लिए। ओके, साथ ही साथ में यहाँ की जो छत होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बिल्कुल समतल होती है। रूफ़ कैसी होती है, एकदम फ्लैट होती है। क्यों होती है फ्लैट, वो भी अभी आपको बताऊंगा, बस आप यहाँ पर इमेज पर देख लो, ये सारे के सारे लेह लद्दाख के मकान हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर रूफ़ जो है बिल्कुल फ्लैट है। लेह लद्दाख क्या कहलाता है आपका, एक ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। यहाँ पर ठंड भी बहुत होती है इसलिए यहाँ के लोग जो होते हैं वो अपनी छत को बिल्कुल समतल करते हैं, क्योंकि ये जो छत होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है लेह लद्दाखों के मकानों के लिए। कैसे, तो अभी हम आगे चलेंगे तब इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखो लिख रखा है यहाँ पर आपका कि लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों है, ध्यान रखिएगा, यहाँ गर्मियों में फल सब्जियाँ सुखा ली जाती हैं क्योंकि ठंडों में यह नहीं मिलती है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो यहाँ पर लेह लद्दाख के ट्रेडिशनल में कुछ औरतें बैठी हुई हैं और वो अपने गर्मियों के दिनों में छत पर जो भी उनकी सब्जियाँ होती हैं उनको क्या कर लेती हैं, ड्राई कर लेती हैं, सुखा लेती हैं, क्योंकि सर्दियों में जो सब्जियाँ होती हैं ना ही उगती हैं और ना ही मिल पाती हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है, जिसके कारण यहाँ के लोग गर्मियों में सारी चीज़ों को, सब्जियों को, फल फ्रूट को सुखा लेते हैं और उनको सर्दियों के दिनों में इस्तेमाल करते हैं। द रूफ इज द हाउस इन ले इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस इन समर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ड्राई बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल इन कोल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सर्दियों के दिनों में सारी की सारी चीज़ें नहीं मिलती है जिसके कारण ये सारी की सारी चीज़ें जो सब्जियाँ होती हैं फल होते हैं उनको ये गर्मियों में सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ले में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि ले के जो मकान होते हैं वो नीचे की मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ले में जो सर्दियों के दिन होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, नेगेटिव में यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है 30-40। ओके, तो इसलिए यहाँ के लोग जो होते हैं वो नीचे वाली मंजिलों पर रहते हैं सर्दियों से बचने के लिए, और यहाँ की जो मोटी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं और लकड़ी की जो छत होती है वो ठंड से इनको क्या करती है,
बचाती है। और ध्यान रखिएगा, और ये नीचे वाली मंजिल पर ही अपने जो पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको रखते हैं और उन्हीं के साथ ये सर्दियों के दिनों में नीचे रहते हैं ताकि मवेशियों से भी इनको गर्मी मिल सके। ओके, तो अब आपको पता चल गया यहाँ की छत क्यों इंपॉर्टेंट है और नीचे वाली मंजिल पर क्यों खिड़की ये नहीं रखते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट ले वाले मकान से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ, राजस्थान के मकान, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउसेज ऑफ राजस्थान, क्योंकि यहाँ से भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है यहाँ की खासियत? तो हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान क्या है, एक रेगिस्तानी इलाका है और खूब गर्मी पड़ती है। रेगिस्तानी इलाका होने के चक्कर में यहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं वो काफ़ी होती है, इसलिए कहा है यहाँ पर कि रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन द योर एरिया एंड इट इज़ वेरी हॉट टू, यानी कि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है और यहाँ पर जो गर्मी होती है वो खूब पड़ती है, इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं यानी कि हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कैसे रहते हैं, मड हाउसेज में रहते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो इनका घर कैसा है, मिट्टी का बना हुआ है। कहीं पर भी देख लो आप, इनके जो ट्रेडिशनल मकान होते हैं, जो राजस्थान के ट्रेडिशनल मकान होते हैं, ट्रेडिशनल हाउसेज होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, वो मिट्टी के घर बने होते हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं इनकी ताकि ये गर्मी से बच सके, मिट्टी जो है ठंडक इनको देती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रखा है, घरों की दीवार बहुत मोटी होती है, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ की जो दीवारें हैं, दीवारें तो चलो फिर भी नहीं दिख रही होंगी आपको, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो दीवार होती है वो काफ़ी थिक होती है और ऊपर से मिट्टी से इसको पूरा लीप देते हैं, जिसके कारण जो गर्मी होती है वो अंदर तक ना जा पाए और दिखने में भी कैसी लगे दीवारें, सुंदर लगे और ठंडक का भी इनको एहसास देती हुई जाए। ओके, और साथ ही साथ में जो कि यहाँ की छतें होती हैं वो कैसी बनाई जाती है, कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। जैसे कि देख सकते हो इमारतें की जो छत होती हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, वो कांटेदार झाड़ियों से या फिर कुछ लकड़ी वगैरह होती हैं जो इनके ऊपर रख ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो जानवर वगैरह होते हैं वो अंदर ना आ पाएं और बाकी जो है गर्मियों से भी इनका बचाव करें। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, छतें कटीली झाड़ियों से होती हैं, दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं और उनको मिट्टी के द्वारा लीप पोत कर सुंदर किया जाता है। ओके, ऐसे लोग कहाँ रहते हैं, तो राजस्थान में रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के घरों की खासियत। नेक्स्ट है फिफ्थ, कश्मीर के मकान, यानी कि हाउसेज ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर में कैसे मकान देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये क्या है, एक छोटी बोट है जिसको कश्मीर में क्या कहा जाता है, शिकारा कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टूरिस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज ए दो तीन पर्सनों के लिए इनफ होता है ये। ओके, तो ध्यान रखिएगा शिकारा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो शिकारा एक छोटी बोट, जैसे कि ये बोट जो देख रहे हो, ये छोटी बोट को कश्मीर में शिकारा कहा जाता है। और साथ ही साथ में हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग में आती है या प्रयोग होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर जो आपके जो बोट वगैरह होते हैं, यानी कि ये शिकारा जो होती है वो घूमने के लिए होती है और यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह के लिए जो रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो लेक में आपके ऐसे हाउस बोट खड़े रहते हैं, उनके अंदर टूरिस्ट को मकान या फिर रूम रेंट दिया जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउस बोट जो होते हैं वो टूरिस्ट के लिए कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ट्रैवलर्स के लिए कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो कश्मीर में इस्तेमाल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउस बोट 80 फीट यानी कि 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो लंबी कितनी है और ये चौड़ी कितनी है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 80 फुट तक लंबी देखने को मिल सकती है और 8 से 9 फुट चौड़ी देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। साथ ही साथ में डल लेक व झेलम नदी, ये दोनों की दोनों कहाँ पर है, श्रीनगर में है, और ये हाउस बोट जो है वो अधिकतर कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, डल लेक में ही देखने को मिलेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा बोथ डल लेक एंड झेलम रिवर्स आर इन ए श्रीनगर। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि एनसीईआरटी थर्ड क्लास की 17 चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर एक चैप्टर दे रखा है ऐसे भी होते हैं घर, तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा, डल लेक और झेलम नदी जो है वो कहाँ पर है दोनों, वो श्रीनगर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जिसे कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, खत्म बंद कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो हाउस बोट, ये पूरा का पूरा हाउस बोट है। यहाँ पर आप देखो अलग अलग प्रकार के डिजाइन बने होते हैं, बाहर भी और अंदर भी। वहां के लोग इसको क्या बोलते हैं, तो खत्म बंद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हाउस बोट हैज ए स्पेशल डिजाइन इज कॉल्ड खत्म बंद। ओके, वहां के लोग जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, वो खत्म बंद बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो डब कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो कश्मीर की एक खिड़की का, ट्रेडिशनल मकान का एक एग्जांपल आपके सामने। तो देखो मकान की जो दीवारें हैं वो इस तरफ है फ्लैट, फिर खिड़कियां जो हैं वो इस तरफ को, फिर इस तरफ को, फिर इस तरफ को, फिर वो पीछे की तरफ को जाकर फिर दीवार के साथ मिल जाती हैं। तो ये बाहर की तरफ खिड़कियां निकाली होती हैं। इस खिड़कियों को ऐसा क्यों निकाला जाता है, तो एज ए अट्रैक्शन के लिए, और सर्दियों में बर्फ से बचाव के लिए, और साथ ही साथ में वहां के लोग इसको क्या कहते हैं, तो डब कहते हैं। इस कॉल्ड क्या कहते हैं, डब। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये सारे के सारी विशेषताएं कहाँ की है, कश्मीर के हाउस बोट, शिकारा और वहां के मकानों की है। काफी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6, दिल्ली के मकान, हाउसेस ऑफ दिल्ली। अब देखो दिल्ली के मकान हो या किसी शहरी इलाके के मकान हो, वो सारे के सारे ऐसे ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिल्ली की बात करी गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर दिल्ली का ही पॉइंट लिया है। तो पहला पॉइंट है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये तो नॉर्मल बात है, सभी को पता होगी, लेकिन साथ ही साथ में दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें व ऊंचे मकान होते हैं, यानी कि जो दिल्ली है वहाँ के घर कैसे होते हैं, हाई बिल्डिंग्स एंड हाई हाउसेज होते हैं दिल्ली के अंदर। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो वो आपकी कैसे होती हैं, बहुमंजिले इमारतें होती हैं। ये नाम बिल्कुल शुद्ध हिंदी ऐसे ही आपका एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया गया है। वो बहुमंजिले इमारतें कहाँ होती है, तो दिल्ली में होती। वैसे देखा जाए तो शहरी इलाके जैसे जैसे कि मुंबई, कलकत्ता, यहां पर भी आपको बहुमंजिले इमारतें देखने को मिलेगी, लेकिन वो भारत की राजधानी नहीं है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट आपके दे रखे थे एनसीईआरटी बुक्स में दिल्ली के लिए, तो मैंने आपको यहां पर दिल्ली ही शो करा है, लेकिन ध्यान रखिएगा शहरी इलाकों में मकान आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका 7th, बकरवाल लोगों के मकान, यानी कि हाउसेज ऑफ बकरवाल पीपल्स, यानी कि जो बकरवाल होते हैं वो एक जनजाति है जो कि कहाँ पर देखने को मिलती है, कश्मीर साइड में देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों के मकान कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बकरवाल पीपल्स लिव इन ए वुडन एंड मड हाउसेज। जैसे कि आप ये देख रहे हो वो सीन भी आप देख सकते हो, पहाड़ के हिसाब से कहाँ के हैं, कश्मीर के हैं। तो ये घर कैसे होते हैं, लकड़ी के और मड के, यानी कि मिट्टी के बने होते हैं। यहाँ पर आपके ऐसे घर किसके होते हैं, तो बकरवाल लोगों के मकान ऐसे होते हैं। इनकी ऐसी क्या खासियत है, तो ध्यान रखिएगा ये बकरियाँ चराते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो बकरवाल लोग, इनका नाम ही तभी पड़ा है, क्यों, क्योंकि ये बकरियों को पालते हैं और बकरियों को चराते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, हल्का सा इसका हिंट दे रखा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को आपको मिल सकता है आपके एग्जाम में। ओके, तो ध्यान रखिएगा बकरवाल लोगों के घर की खासियत, और साथ ही साथ में ये क्या काम करते हैं, तो बकरी चराने का कार्य करते हैं। चलिए वो तो बात होगी आपके इंपॉर्टेंट घरों के प्रकार, अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जहां से आपके डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला पॉइंट निकल के आता है आपका कि गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। आपने देखा होगा गांव घरों के इलाकों में, जो आप वहां पर महिलाएं जो होती हैं वो अपने घर को किस चीज़ से नीपती हैं, वो गोबर से निपाई करती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। ऐसा क्यों किया जाता है, तो बायोगैस के कारण जो मिट्टी के अंदर कीड़े लग जाते हैं वो गोबर लगने से बचा लेते हैं बायोगैस के कारण। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि गाँव घरों में किससे पुताई करी जाती है, गोबर से। क्यों, क्योंकि मिट्टी में उसके कारण कीड़े नहीं लगते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काफी बार ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसके आगे आप क्या लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सोहना गांव हरियाणा में है, सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव, अब जिसका नाम क्या रख दिया गया है, गुरुग्राम रख दिया है, शहर स्थित है। तो एनसीईआरटी में आपका ये पूछा गया था, इसलिए मैंने आपका ये वाला भी यहां पर रख दिया पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा सोहना गांव कहां पर है, हरियाणा में है, और सोहना और दिल्ली के बीच में कौन सा शहर पड़ता है, तो गुरुग्राम, ध्यान रखिएगा, हरियाणा का वैसे स्टेट है, हरियाणा का आपका ये एरिया है, तो ध्यान रखिएगा गुरुग्राम, जिसका ओल्ड नेम क्या था, गुड़गांव था, इंपॉर्टेंट है, जो कि कहां पर है आपका, सोहना और दिल्ली के बीच में स्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेरा गाजी खां, ये कहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में है ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया था इसलिए मैंने आपका यहाँ पर रख दिया। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डेरा गाजी खां कहाँ पर है तो ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं यानी कि जो इग्लू हाउसेज होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, वो आपके सुदूर इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ती है, बाकी मटेरियल्स मिलने जहाँ पर थोड़े मुमकिन नहीं होते हैं। अभी होते कैसे हैं तो जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो इग्लू बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि आगे से छोटा सा गोल मुहाना होता है और पीछे से काफ़ी बड़ा गुंबद बनाया जाता है गोल सा, उसी को क्या कहा जाता है इग्लू मकान कहा जाता है। कहाँ पर बनाए जाते हैं तो ये आपके सुदूर इलाके में बनाए जाते हैं जहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। इसको बनाने का पूरा पीछे मोटिव क्या होता है तो ये जो बनाई जाती है वो छोटे छोटे बर्फ़ के ब्लॉकों से बनाई जाती है, इस ब्लॉकों के बीच में जो हवा फंसी रहती है वो हवा जो होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। ध्यान रखिएगा बर्फ़ का मकान बनाया तो अंदर से ठंडा नहीं अंदर से गर्म होता है, जो अंदर गर्म होती है हवाएं उसको बाहर आने से ये ईंटें जो होती हैं ब्लॉक्स जो होती हैं इनके बीच में जो हवा होती है वो रोकती है उनको बाहर आने से। ओके जैसे कि आप यहाँ पर ये फिगर में देख रहे हो ये फिगर कहाँ का है तो मनाली भी एक बर्फ वाला एरिया है, वहाँ पर एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वहाँ पर टूरिस्ट को रोकने के लिए इग्लू के मकान अब बनाने को यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं रिसोर्ट या फिर रूम रेंट पर मिलते हैं। ओके लेकिन इग्लू जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं बनाए जाते हैं तो सुदूर इलाके में जहाँ पर 24 महीने जैसे कि 24 घंटे 12 महीने आप बोल सकते हो जिसे वो क्या होते हैं पूरे के पूरे बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है तो उस इलाके में आपके इग्लू मकान देखने को मिलते हैं। क्या खासियत है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों बनाए जाते हैं और गर्मी अंदर कैसे रोक के रखता है वो भी बता दिया, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके घरों के प्रकार थे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्लास टाइमिंग क्या है हमारी, तो ध्यान रखिएगा क्लास टाइमिंग जो है वो हमारी 12:15 पर है और शाम को 4 बजे, दिन में हमारी ये 2 क्लास चल रही है, 12:15 पर शॉर्ट नोट्स की क्लास चलती है और 4 बजे मैथ की क्लास चलती है। ओके अब मैथ जो है वो पेपर 1 की ऑलमोस्ट खत्म हो गई है तो अब मैथ 1 की जगह पर CDP भी पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा नहीं तो SST पढ़ाना शुरू कर दूंगा 4 बजे। ओके कई बच्चे कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन करने का, जिसको मैंने आपको नीचे लिंक दे रखा है उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलेगा, कई बार आपको नोटिफिकेशन जो नहीं मिल पाता है। ओके और साथ ही साथ में वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन DK Academy का लिंक भी है तो वहाँ पर जाकर आप उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर आपको लेटेस्ट क्विज देखने को मिलते रहते हैं, जहाँ पर आप अपना कोई भी PDF लेना चाहते हो PDF ले सकते हो, कोई लेक्चर छूट गया तो वहाँ से आप लेक्चर देख सकते हो, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओके इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा अगर अब तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम DK Academy है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम DK गुप्ता है। ओके दोनों का नाम ध्यान रखिए, टेलीग्राम ग्रुप का नाम हमने DK गुप्ता रखा है और एप्लीकेशन का नाम हमने DK Academy रखा है। ओके दोनों का लिंक हमने नीचे दे रखा है, जल्दी से जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में जैसे कि मैं बोलता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छे से अच्छे हम वीडियो देते रहें। ओके तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।